आरती तैयार हो गई? यू लुकिंग ग्रेट, बहुत बहुत अच्छी लग रही। तुम अब रुको, मुझसे बदमाशी? तो किसी और से बदमाशी करूंगा, पड़ोसन से। अभी बता दे तुम्हें। क्या बताओगी, पता तो चले मेरी बीवी में दम कितना है। कम ऑन, बताओ 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 बताओ। डरपोक कह के मेरा सामना करो ना यहाँ आके। इतनी जल्दी हार मान ली तुमने? अरे अटैक करो फिर हार मानूंगा। कम ऑन कम ऑन, बताओ बताओ बताओ। इतनी जोर से पकड़ूंगी ना तुम्हें, इतनी जोर से। अच्छा पकड़ो। क्या हुआ? गॉड लगा। पकड़ लिया, पकड़ लिया। बदमाश, चीटिंग करती हो? तुमने सुना है All is fair in love and war. All is fair in love and war. तो ये philosophy है तुम्हारी? एक हिस्सा है मेरी philosophy का. फिर ये क्या था? Love या war? दोनों. दोनों? और इसमें fair क्या था? मैं? तुम fair थी? हाँ. तुम fair थी? बिल्कुल. अच्छा तुम बैठ नहीं, प्लीज प्लीज, मुझे बहुत गुदगुदी है कि प्लीज। तुमने ही तो कहा ना ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। मर जाओगी प्लीज? नहीं मरने दूंगा तुम्हें, उससे पहले छोड़ दूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूं। गौतम अब फिल्म के लिए देर कौन कर रहा है? फिल्म के लिए ऑफ कोर्स तुम। चलो 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 चलो। आह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस चोर को इस कोतवाल के साथ थोड़ी मनमानी करने दो। देखा, मनमानी करना इतना आसान नहीं है। देखा, मनमानी करना कितना आसान है। ठहरो। कौन है? अरे देखो तो कौन है। रिचा आओ, अंदर आओ, बाहर क्यों खड़ी? नहीं मैं चलती हूँ, मैं तो बस यूं ही सरप्राइज देने के लिए आई थी। ये आपके लिए। मेरे लिए? थैंक यू सो मच। आह कितना प्यारा है ना गौतम? तुम अगर और थोड़ी देर से आती ना तो हम लोग निकल चुके होते। निकल गए होते? कहाँ जा रहे थे आप लोग? डॉन देखने। मैंने तो कई बार देखी है, लेकिन इनको बहुत दिल कर रहा था देखने का। आज लास्ट डे है ना, ऐसा करो तुम भी चलो साथ में। नहीं, ये फिल्म तो मैंने पहले बहुत बार टीवी पर देखी हुई है, वैसे भी मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे तो क्या हुआ, एक बार और देख लेना, थिएटर में देखने का कुछ अलग ही मजा। वो तुम समझाओ ना इसे, और फिर हम लोग आते वक्त वहाँ पे खाना खाएंगे जहाँ पे तुम्हें बहुत पसंद है। क्या नाम है उस जगह का? चॉप सुई। रिचा चलो ना। नहीं रिचा, क्यों नखरे दिखा रही हो? चलो। मैं नखरे दिखा रही हूँ? हाँ, अभी अगर कोई तुम्हें देखे ना तो सोचेगा कि तुम दोनों ही मियां बीवी हो। वैसे भी बहुत देर हो रही है, चलो। नहीं आप लोग जाइए ना, मेरी वजह से आप लोगों को देर हो जाएगी। नहीं तो रिचा मेरी बात सुनो, चलो साथ। मेरी बात नहीं तो कम से कम आरती की बात सुन लो, कम ऑन। नहीं, कितनी बार आप भी तो मेरी बात नहीं मानते हैं। वैसे भी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी घर में, मैं चलती हूँ। बाय बाय रिचा। रिचा रिचा, आइसक्रीम। नहीं चाहिए। रिचा समझने की कोशिश करो, देखो ये आइसक्रीम पिघल जाएगी। पिघलने दीजिए, मुझे नहीं खानी। ठीक है मैं खा लेता हूँ। इट्स वेरी गुड। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? रिचा कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझी जाती हैं, उसे एक्सप्लेन नहीं किया जाता। समझने की कोशिश करो। हाँ मुझमें तो कोई समझ ही नहीं है, बच्ची नहीं हूँ मैं। मेरे लिए तो हो ना, आपके लिए ना किसी और के लिए। मैं अब बड़ी हो गई हूँ। बड़ी हो गई है फिर भी ये नहीं समझती कि आरती मेरी पत्नी है और उसके प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है।
सारी जिम्मेदारियां आपकी उन्हीं की तरफ है, आपको मेरा कोई ख्याल नहीं है। मैंने ऐसे कहां कहा? तभी तो झूठ बोलकर आप उनके साथ वो फिल्म देखने जा रहे थे आज। रिचा, मैं कई दिनों से काम में बिजी था, आरती को टाइम नहीं दे पा रहा था। आज उसका फिल्म देखने का मूड हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसी फिल्म में जाया जाए। हाँ जाइए जाइए जाइए, देखिए उनके साथ वो फिल्म। मेरे लिए किसी के पास टाइम नहीं है, माँ ऑफिस में रहती है, निशा टेनिस खेलती रहती है, पापा से बात करो तो काटने को दौड़ते हैं। मैं क्या करूं? Come on, रिचा, तुम्हारे कॉलेज के फ्रेंड्स तो होंगे? कोई फ्रेंड्स नहीं है मेरे, मैं किससे अपनी फीलिंग्स शेयर करूं? ओके बाबा, प्रॉमिस एक दो दिन में वही फिल्म दिखाने ले जाऊंगा। अब क्या फायदा, फिल्म का आज लास्ट डे था, फिर तो उतर जाएगी वो। अरे लास्ट डे नहीं था, एक थिएटर से उतरी और दूसरे में लग गई। अभी आइसक्रीम खा लो, आधी तो पिघल चुकी है। नहीं खानी मुझे, मेरे लिए आप दूसरी लेकर आइए। दूसरी आइसक्रीम चाहिए? ठीक है, वहां चलते हैं, आइसक्रीम खरीदते हैं और घर जाते हैं। मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, बहुत देर हो चुकी है। कम ऑन। अरे भाई, कोई फोन क्यों नहीं उठाता है? अरे सब लोग कहाँ चले गए? माँ का पता है ना बेटियों का, वाली मालिक है इस घर का। हेलो, कौन चाहिए आपको? भूषण जी, मैं नीना बोल रही हूँ। हाँ नीना जी, मैं भूषण बोल रहा हूँ। आपने इस वक्त कैसे फोन किया? वो रेवती से बात करनी थी। क्यों, कोई बात हो गई क्या? नहीं, वो आज ऑफिस नहीं आई तो पूछना था क्या बात है। नहीं नहीं, उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी बस, और वैसे भी मैं खुद आपको एक दो दिन में फोन करने वाला था। कोई खास बात? नहीं, वो क्या था कि आपको कुछ याद दिलाना था, आपने एक वादा किया था ना मुझसे। हाँ भूषण जी, मुझे याद है, वो एक्चुअली काम इतना था कि समय ही नहीं मिला। वो रेवती कुछ ज्यादा बीमार तो नहीं ना? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा बुखार हो गया था, अभी वो ठीक है, कल वो ऑफिस जरूर जाएगी। नहीं, मैं सोच रही थी कहीं कोई बात तो नहीं हो गई, रेवती नाराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, रेवती कल ऑफिस जरूर आएगी। और मैं आपसे कब मिलूं? वो जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी मैं आपको फोन कर दूंगी, फिर हम लोग मिलके सब कुछ सेटल कर देंगे। ओके ठीक ठीक है ठीक है, और आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा, रेवती को ऑफिस भेजने की जिम्मेदारी अब मेरी है। ओके बाय। तुम? क्या मैं पूछ सकती हूँ तुम किसके साथ बात कर रहे थे? वो वही तुम्हारी नीना लुल्ला थी। नीना? नीना से क्या बात कर रहे थे तुम? वो यही पूछ रहे थे कि तुम ऑफिस क्यों नहीं आई, तो मैंने कह दिया कि तुम्हारी तबीयत खराब थी इसलिए तुम नहीं गई। और तुमने उसे ये भी कह दिया कि कल से तुम मुझे ऑफिस जरूर भेजोगे, है ना? तो मैंने गलत क्या कहा? भूषण, तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी के फैसले करने वाले? मैं ऑफिस जाऊं नहीं जाऊं मेरी मर्जी है, सिर्फ मेरी मर्जी। मेरी जिंदगी के फैसले करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया है, मैं तुम्हारी उंगलियों पे नहीं नाचूंगी भूषण। रेवती, तुम्हारी ये जिद इस घर को बर्बाद कर देगी। इस घर को बर्बाद करेगा तुम्हारा ये बर्ताव, तुम्हारा ये सोचना कि हर कोई फैसला जो इस घर से जुड़ा हुआ है वो तुम ही कर सकते हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी भूषण, मैंने फैसला कर लिया है तो कर लिया है, और इस कुर्सी पर बैठकर तुम ये मत समझना कि तुम इस घर पर राज कर सकते हो। रेवती, तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात मत करना। अच्छा, तो ये अधिकार भी सिर्फ तुम्हारा ही है? रेवती, मैंने अगर कह दिया कि तुम ऑफिस जाओगी तो तुम ऑफिस जाओगी, मैंने नीना से भी यही वादा किया है, समझे तुम? Thank you.
आरती खाना लगा खा लो। आरती दरअसल वो रिचा जरा अपसेट थी इसलिए देर हो गई। तुम्हें उस रिचा की फिक्र है और मेरी कोई परवाह नहीं। इतने दिनों बाद एक फिल्म देखने का प्रोग्राम बना था और वो भी आरती बात मत करो मुझसे तुम समझने की कोशिश करो। मैं वहां से जल्दी आना चाहता था लेकिन हाउ टू एक्सप्लेन बस देर हो गई। आरती खाना खाया? मैं खाना खाऊं या ना खाऊं इसे तुम्हें क्या। तुम जाओ अपने उस रिचा को मनाओ, मैं हूं तुम्हारे इस घर के रखवाली के लिए। आरती दरअसल वो अमित मुझे मिला था, बहुत परेशान था। मैं सीधे घर आ रहा था लेकिन वो मुझे मिला इसलिए उसके घर चले गया। तुम्हें कभी अमित मिलता है, कभी रिचा अपसेट हो जाती है, ये तुम क्या बहाने बना रहे हो गौतम? तुम साफ साफ कह क्यों नहीं देते कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना? आरती क्यों राय का पहाड़ बना रही हो? After all, it's only a film. कोई आफत तो नहीं पड़ी है तुम पर? ये तुम्हारे लिए मामूली बात हो सकती है और बात सिर्फ एक फिल्म की नहीं है गौतम, बात मेरा दिल रखने की है, मेरा मान रखने की है। मैं यहाँ पर तैयार होकर बैठी रही और तुम 2 घंटे तक गायब। Please try and understand me. गौतम प्लीज मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो। आरती मेरी बात सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। आरती I'm sorry। बस एक सॉरी कह दिया और हो गया। I'm very 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 sorry। गौतम डू यू फील रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स मी? डू यू? Of course I do. I am disgusted with you. मैंने पूछा कहां जा रही हो तुम? रेवती अगर आज तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कोई कसर बाकी रखी है तुमने? रेवती मेरी बात सुनो। रेवती मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुमने क्या करी यहां खड़े होके? जाओ अंदर जाओ। मैंने कहा अंदर जाओ अपने कमरे में। कौन सा रूम? Get out! कौन मेरी बात नहीं सुनता? कौन मेरी बात नहीं सुनता? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा, ऐसा हुआ कैसे? क्या पिछले हफ्ते मिस की रिकॉर्ड सेल्स हुई हैं? अरे ये सब उस नई एडिटर का कमाल है, गजाला। कभी मिले उससे? हाँ एक आध बारी,
लेकिन उससे मिलकर ऐसा कभी नहीं लगा कि इतना बड़ा कमाल दिखा सकती है। हाँ, जब नीना ने उसे एडिटर अपॉइंट किया था तो मुझे भी यही लगा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन रूना अगर रजाला को तुम्हारी मैगजीन के लिए हायर कर लिया जाए तो? व्हाट? नहीं, मेरा मतलब ये है कि अगर वो नीना की मैगजीन के लिए इतनी अच्छी चीज कर सकती है तो तुम्हारा भी तो काम आ सकती है। डोंट बी रिडिकुलस राजीव, ये ठीक है कि उसकी वजह से मिस की सेल्स बढ़ गई है, लेकिन मैं उसे कभी अपॉइंट नहीं कर सकती हूं। आई कांट हायर हर। वो है क्या आखिर? दिखा दिया ना उसने क्या चीज है। राजीव, तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? कहीं कुछ? रूना, ऐसा ख्याल अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। क्यों? आफ्टर ऑल लड़की खूबसूरत है, और फिर मैं आपकी आदतों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूं मिस्टर राजीव। फिलहाल मेरी आदत तुम हो और इस आदत को बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ओके ओके, आई एम गेटिंग लेट, आई बेटर गो। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। देखा मैम, मैंने कहा था ना आपसे, मुझे एक मौका दीजिए। मिस के इश्यू ने इस बार सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। यू मे बी राइट गजाला, लेकिन ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। नहीं मैम, मैं आपकी ये बात नहीं मानती। मुझे तो शुरू से पता था कि इस बार का इश्यू एक बम्पर इश्यू है। इनफैक्ट मैंने तो अगली बार के लिए इससे भी अच्छे और आइडिया सोच रखे हैं। वो सब तो ठीक है गजाला, मैं खुश हूँ कि इस बार हमारी मैगजीन बहुत पिकी है, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द कंटेंट। इस बार के इशू में जो छपा है वो हमारी मैगजीन के इमेज के खिलाफ है। हेलो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी आती हूँ। हेलो नीना, मैं हूँ। जी राजीव। सर मैडम तो बाहर गई हैं, मैं गजाला बोल रही हूँ। गजाला, तुम वहाँ क्या कर रही हो? वो सर, मैं मैडम के पास कुछ काम से आई थी, उनका वेट कर रही हूँ। देखो अगर तुम ज़्यादा बिजी नहीं हो तो 5 मिनट के लिए तरह ऊपर आ जाओ। जी सर। आप 5 मिनट के लिए मेरे कैबिन में आ जाओ ऊपर। श्योर सर, सी यू। हाय रेवती, अच्छा हुआ तुम आ गई। वो अगला इशू है ना उसके कॉलम के। ओह माय गॉड रेवती, क्या हुआ? ये चोट कैसे लगी तुम्हें?